नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। ये उपाय दोस्तों बहुत बढ़िया है, खास तौर से उनके लिए जिनके सूर्य कमजोर है। क्योंकि ये जो चीज मैं बता रही हूँ, आपको कितनी बार कंफ्यूजन होगा, आपको लगेगा ये चीज मैडम आपने कई जगह शिव जी की पूजा में बताई है, इसलिए मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये वो चीज है जिसका यूज आप सूर्य देव की पूजा में कर सकते हैं, शिव जी की पूजा में भी कर सकते हैं, बुद्ध की पूजा में कर सकते हैं, शुक्र की पूजा में कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की, भगवान नारायण की। ये चीज वो है जो तमाम, जैसे कि हम बताते हैं कि शहद ये भी इन देव को अर्पित करें तो ऐसा हो जाएगा, इन देव को अर्पित करें तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि शहद में तमाम क्वालिटीज है कि वो तमाम प्रकार के देवी देवताओं को प्रसन्न कर पाता है। ऐसे ये चीज है जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। यदि जानकारी अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें। ये जो चीज है खास तौर से उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि हमारा मान सम्मान कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, कई लोगों की लाइफ में जिस मान सम्मान के लायक नहीं होते उतना मान सम्मान लोग उन्हें दे रहे होते हैं। और कई लोग ऐसे पारस जैसे शुद्ध साफ है, लेकिन लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जाता, क्योंकि सूर्य की उस तरफ नजर नहीं पड़ी होती है। सूर्य देव यदि आपके ऊपर प्रसन्न हो गए तो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लोग आपकी तरफ पूरा ध्यान देने लग जाते हैं, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा जबरदस्त बढ़ती है। तो यदि आपको ऐसा लगता है मेरा मान सम्मान कम है, आप इस उपाय को सिर्फ इसी रविवार नहीं, तमाम रविवारों को करना शुरू करें। और अभी जो मकर संक्रांति आ रही है उस दिन तो बिना भूले करें, मकर संक्रांति इसकी मैं वीडियो डालना शुरू करूंगी, उन्हें भी दोस्तों आप एक भी वीडियो मिस किए बिना जरूर देखना। बहुत बढ़िया बढ़िया उपाय हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। वो लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में यश नहीं है, मैं कितना भी किसी का अच्छा करूं, लोग मुझे अच्छा नहीं कहते। आप देखना जिसके हाथ में तिल होगा, आप देखना जिनकी लाइफ में भोगना लिखा है उनके हैंड पर तिल होता है, कोहनी और पंजे के बीच में। यदि आपके हाथ में तिल है इस जगह पर, तो आप समझ जाइए आप किसी का कितना भी भला करेंगे लोग आपको अच्छा नहीं बोलेंगे। आप किसी के बच्चे को एक घंटे तक खिलाएंगे कुदाएंगे, आप उसको बिस्किट खिला रहे हैं, चॉकलेट खिला रहे हैं, वो लोग एस्टिमेट नहीं करेंगे, उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन बच्चा खिलाते खिलाते अचानक गिर गया हाथ से, तो वो उसने मेरे बच्चे को गिरा दिया, मेरे बच्चे को लग गया, उसके पहले एक घंटे तक वो आपके बच्चे को अच्छे से खिला रहा था, तब आपको ये नहीं दिखा कि उसने एक घंटे तक आपके बच्चे को इतना अच्छे से रखा, एक मिनट के लिए बच्चा नीचे गिरा और आपने उस चीज को नोटिस किया, तो ये आपके हाथ में अपयश लिखा हुआ है। आप कितने लोगों का बहुत अच्छा करने जाते हैं, लेकिन अच्छा होते होते अचानक कुछ खराब ऐसा हो जाता है कि आपके सिर पर वो अपयश लग जाता है। कई लोगों की मौत होनी होती है, आपका हाथ लग गया, आपने उस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया पहले, लेकिन उस समय जब उसकी मौत आनी थी आप उसके निमित्त बन गए और आपके मत्थे कलंक लग गया है ना। ऐसे कलंक दोस्तों बहुत अलग अलग तरीके से लगते हैं, जिस व्यक्ति के सिर पर जो कलंक लगना लिखा है वो लग जाता है और जिंदगी भर वो भोगता रहता है, कलंक लगता है इसलिए है। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा अपयश, मेरे किस्मत में अपयश ही लिखा हुआ है, मेरे किस्मत में कलंक ही लिखा हुआ है, मैं किसी का कुछ भी कितना भी अच्छा करूं मुझे कोई अच्छा बोलने वाला नहीं है, मेरे अंदर जो क्वालिटी है उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है जितनी होनी चाहिए, इस प्रकार के तमाम ख्यालों से यदि आप जूझ रहे हैं, इस टाइप के तमाम कंडीशनों से आप जूझ रहे हैं, तो आप स्नान के पानी में रविवार के दिन खसखस डालना शुरू कर दें। ये चीज दोस्तों आपके ऊपर जो भी सूर्य देव की कुदृष्टि है उसको दूर करेगी। ये बहुत कूल और ठंडी होती है, थोड़ा सा एक चुटकी ले ले और डाल दे और उसी साफ स्नान करें। रविवार आप इस क्रिया को करना शुरू करें, आप देखेंगे आपकी लाइफ में जबरदस्त फर्क पड़ेगा। यदि पूरे परिवार पर कोई काली मां छाई हुई है तो आप व्हाइट रंग के कपड़े में इसको रखें, उसकी एक छोटी सी पोटली बांधे और पानी में डाल दें,
जिस टब में पानी में जिसमें पानी भर करके सभी लोग स्नान करते हैं उसी में आप इसको डाल दें, उसमें पानी चालू रहने दें, तमाम लोग उसी में से नहा नहा करके जाएं, ऐसा करें। सभी के ऊपर सूर्य देव की जबरदस्त कृपा उतरेगी और पूरे परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा। करके देखिए, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।